फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नए अंदाज में गेहूं के आटे का हलवा, जो कि बहुत लाजवाब बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी नेमा दिस साइड। फ्रेंड्स, बेसिकली जो आटे का हलवा बनता है वो मोटे आटे से बनता है, लेकिन आज हम फाइन आटे से, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, उसी आटे से हम शानदार लाजवाब हलवा बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बनाते हैं आटे का हलवा। आटे का हलवा बनाने के लिए हमने लेना है 1 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल वाला आटा ही लेंगे। साथ ही साथ लेना है 1/2 कप घी और 1 कप शुगर हम लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लेना है ग्रेटेड नारियल और इसी के साथ साथ कुछ चॉप्ड नट्स लिए हैं। साथ ही साथ मैंने लिए हैं कैशू नट्स और इसी के साथ साथ हम लेंगे अचार की चिरौंजी। हलवा बनाने के लिए हमने लेना है कढ़ाई। मैं रिकमेंड करूंगी आप भारी तले की कढ़ाई यूज करें या फिर आप कोई नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। कढ़ाई में हमने डालना है 1/2 कप घी। लो फ्लेम रखना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा और हल्का गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो ये देखिए दोस्तों, बबल्स आना शुरू हो गए और घी जो है वो हल्का गर्म हो गया है और अब हम डालेंगे गेहूं का आटा। ये फाइन वाला आटा है दोस्तों, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। और देखिएगा, बहुत ही शानदार और दानेदार हलवा बनेगा दोस्तों। फ्लेम को हमने लो रखना है और मिला देंगे दोनों चीजों को। और इसके बाद इत्मीनान से हमने इसे 10 मिनट तक रोस्ट करना है दोस्तों। लो फ्लेम रखनी है और इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे रोस्ट करना है दोस्तों। हमने इसे जब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, आटा जो है हल्का रोस्ट होने लगा है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी साइड, और दूसरी साइड हमने लेना है एक सॉस पैन, और सॉस पैन में हमने डालना है पानी। तो लगभग 1 गिलास हम पानी डालेंगे दोस्तों, और इसे हमने गर्म करने के लिए रख देना है। लो फ्लेम पर हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। वापस आते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट में जो गेहूं का आटा है वो इस तरह से इतना गोल्डन हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और गोल्डन करना है। तो इसी तरह हमने इसे चलाते हुए रोस्ट करना है दोस्तों। लो फ्लेम पर गेहूं के आटे को रोस्ट करने में कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि लो फ्लेम पर आप जितना अच्छा रोस्ट करेंगे, आपकी मेहनत जो है उतनी ही अच्छी रंग लाएगी और हलवा जो है उतना ही लाजवाब बनेगा। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा जो सीक्रेट है वो यही है कि हमने लो फ्लेम पर गेहूं के आटे को इत्मीनान से 10 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। 7 से 8 मिनट बाद ये देखिए दोस्तों, गेहूं का आटा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इतना गोल्डन हमने चाहिए। इस स्टेज में आने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हमने डालना है अचार की चिरौंजी, इसी के साथ साथ हम डालेंगे काजू। काजू को मैंने 2 पीस में कट करके लिया है दोस्तों, तो हम काजू भी डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने लिए हैं कुछ पिस्टेशियो और आमंड्स, जिन्हें मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे हम पिस्टेशियो और आमंड्स को भी डाल देंगे। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। दोस्तों, ग्रेटेड कोकोनट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये जरूर डालिएगा। मिला देंगे हम सभी चीजों को। दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो नट्स हैं वो पहले से रोस्ट करें और उसके बाद जो है हलवे में डालें। हम सारे नट्स को गेहूं के आटे के साथ ही रोस्ट करेंगे, ताकि जो नट्स का फ्लेवर है वो भी हमारे हलवे में आए और हलवा जो है बहुत लाजवाब बने। तो हमने नट्स को गेहूं के आटे के साथ ही रोस्ट करना है और इसी स्टेज पे आके रोस्ट करेंगे। पहले से रोस्ट मत करना दोस्तों। और नट्स डालने के बाद हमने गेहूं के आटे को हार्डली 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। फ्लेवरिंग के लिए मैंने डालना है इलायची, तो मैंने यहाँ पे कुछ इलायची के दाने लिए हैं और मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इलायची भी तैयार है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। दोस्तों, इलायची डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जरूर डालिएगा। वाओ, बहुत शानदार खुशबू आना शुरू हो गई है दोस्तों। नट्स की खुशबू आ रही है और इलायची की भी खुशबू आ रही है दोस्तों। 2 मिनट हो चुके हैं और नट्स डालने के बाद हमने ज्यादा रोस्ट नहीं करना है।
जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो गेहूं का आटा है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। और इस स्टेज पे आके अब हमने डालना है शुगर। तो 1 कप शुगर मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। मिला देंगे। शुगर डालने के बाद हमने वेट नहीं करना है और फटाफट से वापस आते हैं गर्म पानी के पास। ये देखिए दोस्तों, पानी भी जो है वो बॉईल हो चुका है और इतना खोलता हुआ पानी हमें चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना गर्म पानी ही हमने डालना है। शुगर डालने के बाद हमने वेट नहीं करना है और तुरंत ही हमने डालना है इसमें पानी। इसमें जाएगा गर्मा गर्म पानी। पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। गर्म पानी डालने से क्या होगा दोस्तों, हलवा जो है वो दानेदार बनेगा, उसकी लई जैसी नहीं बनेगी दोस्तों। नाइस, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है दोस्तों। हलवे की जो खुशबू आती है वो बहुत ही लाजवाब आती है। तो ये देखिए दोस्तों, हलवा जो है वो तैयार है। जैसे ही हलवा जो है हल्का सा ड्राई होगा, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हलवा जो है वो तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राई नट्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हलवा भी जो है वो बहुत ही लाजवाब तैयार हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों, दानेदार हलवा बना है, लई आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, बहुत ही शानदार हलवा है दोस्तों। मेजरमेंट भी जो है वो बहुत सिंपल है, 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप शुगर, 1/2 कप घी और 1 गिलास गर्म पानी, और आपका हलवा जो है वो लाजवाब बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरा तरीका था हलवा बनाने का। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ, हलवा जो है मैश नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं रह रहा है, लई नहीं बन रही है। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कब बना रहे हैं अपना लाजवाब हलवा। मिलते हैं ऐसी शानदार शानदार रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।